हम हमारी हरकतों से हमारे नबी की बदनामी का बाइस बनते हैं। माहे रबीउल अव्वल जैसी मुनासबतों में अपनी हरकतों की वजह से, अपनी नादानी की वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदनामी का बाइस बनते हैं। कैसे भाई? अपने जुलूस मीलाद देखे हैं, मीलाद के जो जुलूस निकलते हैं शहरों में, जिस दिन मीलाद के जुलूस निकलते हैं शहरों की ट्रैफिक का क्या हाल होता है जी? सारी सड़कें जाम, हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक, कितने लोगों को तकलीफ होती है। जिस नबी ने अपनी जात से जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ न दी, उस नबी के नाम पर हम साल में एक दिन मिलाद के जुलूस निकालकर शहर भर के लिए ट्रैफिक जाम करके हजारों लाखों लोगों की तकलीफ का बाइस बनते हैं। कोई ये ना कहे कि दूसरी कौमें भी तो करती हैं, दूसरी कौमें करती हैं जुलूस निकाल दी, ये कोई दलील नहीं। यही तो सबसे बड़ा मसला है। एक ऐसा कंपटीशन चल पड़ा है कि जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम मुनाफरत का माहौल बनता है, और यही चीजें हिंदू मुस्लिम फसादात का सबब बनते हैं कि मीलाद का जुलूस जब आता है बाकायदा कोशिश होती है कि इस बार गणेश का जुलूस जो निकला ना उससे शानदार हम मीलाद का जुलूस निकालेंगे। ये कॉम्पिटिशन होता है और यहीं से हिंदू मुस्लिम फसादात के लिए राहें हमवार होती हैं। याद रखिए, इस तरह के जुलूस निकालना, सड़कों को जाम करना, ट्रैफिक को जाम करना, ये आपकी और मेरी अकल कहती है तो कहे, इस्लामी तालीमात कतई इसकी इजाजत नहीं देती।